बिना कहे भी बहुत सी बातें होती हैं और आंखों ही आंखों में मुलाकात होती है। आपने अलग अलग बात करके और शब्दों का जाल बुन के बहुत कोशिश की होगी लड़की को इम्प्रेस करने का, लेकिन एक बार दोस्त बिना कुछ बोले भी ट्राई करके देखिए, शायद लड़की इम्प्रेस हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आंखों से बोलिए। दोस्तों, जो बातें आप मुंह से नहीं कह सकते वो बातें आंखें बयां कर देती है। प्यार इन आंखों से ही तो होता है, तो बयां करने का काम इन्हीं का है। दोस्तों, आप जहां भी हैं, अगर वहां आपको कोई लड़की पसंद आ रही है तो सबसे पहले उस लड़की से 5 से 10 सेकंड का आई कॉन्टेक्ट कीजिए, और आपका आई कॉन्टेक्ट घूरने वाला नहीं होना चाहिए। आपकी पलकें थोड़ा सा झुकी हुई और आपकी आंखों में एटीट्यूड होना चाहिए। बस आई कॉन्टेक्ट करते रहिए थोड़े थोड़े गैप के बाद, और ये तरीका अपनाने के बाद अगर लड़की भी आपको लगातार देखती रहती है तो समझ जाइए आपको उसके पास जाने की देरी है, आपका उससे काम बन गया। पॉइंट नंबर 2, अपनी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए। दोस्तों, सपोज कीजिए आप शादी में हैं, आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं वो वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है। बहुत सारे लड़के आपकी ही तरह उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप कुछ अलग ही नहीं करेंगे तो लड़की कैसे इम्प्रेस होगी। तो शादी में आपको कुछ ऐसा करना है कि वहाँ के सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। कुछ स्पेशल करना है आपको, कुछ अलग करना है, क्योंकि लड़कियाँ हमेशा उन्हीं बंदे को ढूंढती हैं जो यूनिक होते हैं, जो कुछ अलग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पॉइंट पर काम नहीं करेंगे तो ये सारे तरीके कोई मायने नहीं रखते। एक्टिव पर्सनालिटी, दोस्तों आपकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सभी आपकी ओर देखें। आपका बोलने का, चलने का, बैठने का, यहाँ तक कि खड़े होने का स्टाइल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हर इंसान का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपकी पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। आज के जमाने में पर्सनालिटी से ही आदमी की औकात देखी जाती है। पॉइंट नंबर 4 और 5 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको लड़की के पास नहीं जाना है। पिछले तीनों पॉइंट अपनाने के बाद अगर बार बार लड़की आपको देख रही है तो आप समझ लेते हैं कि बस अब तो हो गया काम, लड़की हो गई इम्प्रेस, और बस उसके पास जाकर बात करना शुरू कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है और ये तरीका नहीं अपनाना है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि लड़की आपसे बात करने के लिए तैयार है या नहीं है, और आप चेक करने के लिए पॉइंट नंबर 5 अपना सकते हैं। आपको बहुत हल्की सी स्माइल देनी है, बहुत धीरे से। अगर आपके स्माइल के बदले स्माइल आए तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। आप कहीं भी मिले और सिचुएशन देखकर उससे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।